आपके माता पिता ने आपको नहीं बताया कि हम कौन हैं? महाराज कृष्णदेव राय, महान सम्राट, नहीं बताया? आप नाभिक हैं, लेकिन आप महाराज लगते हैं, लेकिन मात्र नाम से, युधय से नहीं। आपका युधय तो मुझ छोटे बालक से भी छोटा है, इसलिए तो आप मुझे इस सिंहासन पे बैठने से रोक रहे हैं। बस बस पालक, माना कि तुम पालक हो, परंतु अपनी सीमा में रहना सीखो, और एक शब्द अपने मुख से निकाला ना तुम उद्दंड पालक। हे भगवान, कितना बोलता है ये बालक। दादाजी दादाजी, पुत्री चिन्ना, क्या यही है वो कृष्णदेव राय जिन्हें हमने आपके लिए चुना था, या ये कोई और है? नहीं नहीं पिताश्री, आपकी चिंता व्यर्थ है। महाराज आजकल कुछ विचलित रहते हैं और व्यथित रहते हैं, अन्यथा ऐसी और कोई बात नहीं है। और आप हमारे साथ चलिए। आइए पिताश्री। प्रणाम माँ, तुमने देखा ना, महाराज इतने सामान्य से विषय पर असामान्य प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो भी इतने क्रोधित होकर, जो कि उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। काली माँ, मैं तो इस नगर में नहीं हूँ, मेरी एक ही सहेली बनी है यहाँ, और वो भी मुझसे रुष्ट हो गई। मुझसे एक खिलौना ही तो टूटा था उसका, वे खिलौना टूटने पर इतना क्रोध करता है क्या जितना उसने मुझ पर किया? मैं अपनी नई सहेली को कैसे बताऊं कि क्रोध हम मनुष्यों का कितना बड़ा शत्रु होता है। अगर उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तो अब क्या होगा माँ? माँ, महाराज का ऐसे क्रोधित होना कहीं दूसरे शत्रु अर्थात क्रोध का आक्रमण तो नहीं? यदि ये सत्य है तो महाराज फिर से संकट में पड़ सकते हैं। पिछली बार चित्रांगदा आई थी, लोभ में फंसाने का प्रयास किया था, इस बार क्रोध किस रूप में आ सकता है? कहीं वो सोमू तो नहीं? नहीं, वो तो भोला है, मासूम बालक है, और क्रोध कभी भोला और मासूम नहीं होता। आप पंडित रमा जी है ना? वो क्या अस्तिदे गत? हाँ। मैं और मेरे माता पिता आपके नए पड़ोसी हैं। हम पहले मदुराई में रहते थे, पर पिताजी का व्यापार यहाँ होने के कारण हम अब यहाँ रहने चले आए हैं। अरे वाह, अब इतनी प्यारी प्यारी बातें करने वाली कन्या का एक प्यारा सा नाम भी तो होगा। हाँ है ना, मालती। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे अपना ग्रह कार्य पूर्ण करना है, नहीं तो गुरुवर बहुत डांटेंगे। उचित है। इससे याद आया, महाराज ने मुझे भी अनुवाद का कार्य समय पर समाप्त करने का आदेश दिया है। यदि समय पर समाप्त नहीं हुआ तो ओ बापरे, चलता हूँ माँ। महाराज, पिताश्री, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें कृष्णदेव राय कहकर संबोधित करें। जैसे आपकी इच्छा। कृष्णदेव राय जी, ये पुष्पदान आपने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है? ये तो हमने विवाह में आपको भेंट दिया था। वो कहते हैं ना, जिसे अपना विवाह संभाल कर रखना है उसे विवाह में मिली भेंट भी संभाल कर रखनी चाहिए, अन्यथा विवाह ही भेंट चढ़ जाता है। पिताश्री, महाराज को ये पुष्पदान, इसकी नक्काशी और चित्रकारी दोनों ही बहुत पसंद है। ये पुष्पदान तो हमें भी पसंद आया। पालक,
संभल कर बालक। दंड बालक। क्या किया आपने? भेंट मिली थी हमें। महाराज, रोज से तो आपकी गहरी मित्रता है, और जैसे कि उन पंडित जी ने बताया, क्रोध करने वाले मनुष्य उस सिंहासन के योग्य ही नहीं होते। ये भोले मुख और तीखी वाणी वाले इस बालक को इस महल में लाने की ससुर जी को क्या आवश्यकता थी? इसका प्रत्येक शब्द हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। मक्खी भीतर कैसे आ गई? किसने आने दिया इसे भीतर? कृष्णदेव राय जी, ये तो सिर्फ मक्खी है, आपकी अनुमति से कैसे आएगी? परंतु ये हमारे महाराज, मक्खी तो संसार का सबसे सुस्त व्यक्ति भी मार सकता है। ये तो महाराज होके भी एक मक्खी नहीं मार पा रहे हैं। शांत हो जाओ बालक। बालक शांत हो जाओ, अन्यथा महाराज तुमको काली मिर्च का काढ़ा पीने का दंड दे देंगे। मक्खी तेरा धन्यवाद, तुमने मुझे अपने सिंहासन पे नहीं बैठने दिया था, और तूने इनके ही सिंहासन पे इन्हें नहीं बैठने दिया। बालक, सैनिक, इस बालक को यहाँ से लेकर जाइए। रुकिए, बालक ही तो है महारानी चिन्ना देवी, रहने दीजिए नहीं यहीं पर, क्योंकि हम अब इस मक्खी का अंत करने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि अपने नेत्रों से देखे उसे। अब देखिए महाराज। पुत्री चिंता, ये सब क्या हो रहा है? सिर्फ मक्खी तो है। महाराज को पेट्रोल पर काबू नहीं रहा। क्या ये ऐसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ भी करते? नहीं पिताश्री, इनका स्वभाव तो दासों से भी प्रेम करने वाला है, बस कुछ समय से थोड़ी विचलित है। मात दे दी हमने, भगा दिया उसे। ये लीजिए, और ध्यान रहे, आज के पश्चात कोई भी मक्खी हमारे राजमहल में प्रवेश न कर पाए। जाइए। पिताश्री, हमें लगता है कि इस समय महाराज को एकांत ही शांति प्रदान कर सकती है, हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। हम चलते हैं, आइए। महारानी जी, मैं विजयनगर को देखना चाहता हूँ, और पंडित रामा जी ने मुझे अपने घर आने का निमंत्रण दिया था ना? उचित है, परंतु आप अकेले नहीं जा सकते, आप एक सैनिक के साथ जाएंगे। सैनिक, बालक को विजयनगर के दर्शन कराइए, और पंडित रामाकृष्णा के निवास भी लेकर जाइए। अधिक भोजन करके हम शिथिल हो गए हैं। आओ शिष्यो, आओ हमारे हाथ पांव दबाओ, आ जाओ। क्या गुरुजी, आपके हाथ पैर तो हम रोज दबाते हैं। हाँ, कभी गला दबाने का मौका तो दीजिए, वो भी दबा देंगे। आओ दबा लो। क्या कहा, क्या कहा? कुछ नहीं गुरुजी, आपके हाथ पैर दबाना ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, वही दबाने दीजिए, उसी में आनंद आता है हमें। प्रणाम गुरु भाई। अरे पंडित रामा कृष्णा, ये सदैव बिन बुलाई मुसीबत की भांति टपक जाते हो। हम क्लांत हैं, विश्राम करने जा रहे थे, आप आ गए।
ये आपका जो अनुवाद है हमारे लिए सर का दर्द बन गया। कोई बात नहीं गुरुवर, आप विश्राम कर लीजिए, तत्पश्चात हम ये कार्य आरंभ कर लेंगे। हाँ और क्या गुरुजी, सारा अनुवाद कार्य तो पंडित रामाकृष्ण ही करते हैं, हमारे गुरुजी तो बस मात्र थोड़ी सी सहायता करते हैं, उसमें भी इन्हें चाहिए विश्राम करने का ठो। अरे चुप रहो मूर्खो। क्या कहा? मूर्खो, आपके मूर्ख बोलने के कारण दरबार में सबके समक्ष हम उपहास का पात्र बन कर रह गए गुरुजी। अब मूर्ख नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। हम तुम्हारी जीवा खींच लेंगे। इसके सिवा आप कर भी क्या सकते हैं? धनी क्या कह रहा है? सुना तुमने क्या कह रहा है? सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है मनी, आपको आपके ही पाखंड का आभास करा रहा है मनी। नहीं नहीं, सही तो केवल आप हैं, मणि तो मूर्ख है, इसे तो पता ही नहीं है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा ही नहीं होने वाला। भैंस? तुमने हमें हमें भैंस कहा? क्षमा कीजिए गुरुजी, बुरा लग गया होगा ना? हाँ। अरे आपको नहीं कहा, बेचारी भैंस को बुरा लग गया होगा। आपको क्या बुरा लगेगा? छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। गुरुवर गुरुवर कृपया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत नहीं होंगे पंडित रामाकृष्णा, अब प्रलय आएगा। आने दीजिए प्रलय। धनी मनी तुम दोनों तो शांत हो जाओ, कृपया अपने क्रोध को नियंत्रण में रखो। हाँ पंडित रामाकृष्णा जी हमारे बीच में नहीं आइए, हम आज किसी की नहीं सुनेंगे। शिष्य को नौकर समझ के रखते हैं हमारे गुरु जी। हम अपने क्रोध पर काबू नहीं रखेंगे जब तक इनके शरीर की एक एक हड्डी नहीं तोड़ देंगे, हम शांत नहीं होंगे। कहाँ हमारी लकड़ी? अरे गुरुवर, लकड़ी कहाँ है? अरे तुम दोनों, लकड़ी कहाँ हमारी? ईश्वर, इस समय तो मेरा यहाँ से जाना ही उचित है, पता नहीं ये क्रोध विजयनगर पर कौन सा संकट लाने वाला है। हमारी लकड़ी कहाँ है? आज नहीं मिलेगी लकड़ी। कहाँ है हमारी लकड़ी? प्रणाम पंडित रामकृष्णा जी, महारानी चिन्ना देवी के पिताश्री के साथ आया हुआ बालक आपके आवास पर आना चाहता था, अतः महारानी की आज्ञा से मैं उसे लेकर आया हूँ। नीलमा तू आ गया? पंडित रामकृष्णा जी धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया और आपके कारण मुझे गुंडप्पा जैसा मित्र मिला। देख लामा, मिला नया खिलौना, इसने दिया और इसकी ध्वनि तो मेरी घंटिया से भी अधिक मधुर ध्वनि है। अच्छा बस बस बस, उचित है शारदा, मेरे लिए जल लाना। कहाँ जा रहे हैं आप? इनके लिए जल लाने? बस मुझे यही जानना था, आप इनकी पत्नी है ना, कोई सेविका तो नहीं? इतना काम करती है और फिर इनके आदेश का पालन भी। तो पहले जल लेकर तो आओ, फिर उठाऊंगा ना। हम जल उठाने के लिए नहीं, सौगंध उठाने के लिए कह रहे हैं। सौगंध उठा लो कि हमें किसी भी कार्य के लिए कोई आदेश नहीं दोगे। और हाँ, हमसे आज तो जल मांग लिया, आज के बाद कभी जल मत मांगना। उचित है, तुम बिन मांगे ही जल पिला देना, मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तुम रुष्ट क्यों होती हो, मैं स्वयं जल ले लेता हूँ। लामा, लामा ये देख। yeah!
और हम आपको कराएंगे। ये क्या किया? तुम्हें पता है ना, मैं केवल एक ही बार स्नान करता हूँ, दोबारा स्नान क्यों कराया? चुप कर, तू क्या हंस रहे? वाह मित्र, ने पता भी नहीं चला कि सबसे पहले जल शारदा के ऊपर तुम्हारी त्रुटि से गिरा। आटा, पकड़ो इस गुंडप्पे को। ये क्या किया तूने? अब आनंद आया अप्रत्याशित स्नान करके। पंडित रामकृष्णा जी, बालक के राजमहल वापस जाने का समय हो गया है। ले जाइए। कल फिर आना मित्र। अवश्य मित्र। इस बालक की उपस्थिति और खिलौने की आवाज का क्रोध से कहीं कोई संबंध तो नहीं? नहीं नहीं, इसमें इस बालक का क्या दोष? इसका कोई दोष नहीं, दोष तो उनका है जो बालक की बात पर क्रोधित हो रहे हैं। ओ, वस्त्र बदलने पड़ेंगे। पंडित रामकृष्ण जी, शीघ्र उठिए, दरबार चलिए। चलिए। एक क्षण, आप इतनी भोर को अकस्मात मेरे आवास पर? आना ही पड़ा, कारण ही कुछ ऐसा है। मंत्री जी। जी महाराज। बिना विलंब किए हमारे प्रस्थान की तैयारी करो। हम अपने पुत्र को उस स्थान पर नहीं छोड़ सकते जहाँ वो ना तो सुखी है और ना ही सुरक्षित, भले ही वो स्थान हमारे पुत्र का ससुराल ही क्यों ना हो। कृष्णदेव राय का यह व्यवहार अब सहन नहीं होगा। प्रणाम महाराज, बिना अनुमति आपके मध्य बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ, किंतु ऐसा क्या हो गया कि आप अपने दामाद महाराज श्री कृष्णदेव राय के विषय में ऐसी बातें कर रहे हैं? पंडित रामकृष्णा जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए आप स्वयं देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इस महल में क्या हो रहा है। ईश्वर, सैनिक ने कहा कि अनर्थ हो गया, इधर बड़ी महारानी जी के पिता श्री महाराज के विषय में इतनी अशुभ बातें कर रहे हैं। हे माँ, ये अपने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये सारे व्यंजन हमें स्वयं खाने पड़ेंगे। जिसने छोटी महारानी को स्वयं उनका बना भोजन खाने पर विवश कर दिया। वही तो मैं सोच रहा हूँ बंधु, जो आज तक नहीं हुआ आज किस कारणवश हो गया? उड़े जा जा रे कौवे, उड़े जा रे कौवे। अरे बड़ी महारानी को क्या हो गया है, ऐसा विचित्र गीत क्यों गा रही है? उड़े जा जा रे कौवे, उड़ जा रे कौवे, जाना जा 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 जा। हे माँ, ये हो क्या रहा है दरबार में? मेरी आंखें ये जो दोनों रानियों को अविश्वसनीय दशा में देख रही हैं, कुछ अनिष्ट तो नहीं होने वाला?